हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कैशिफाई की बाइंग गाइड में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे हर उस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए एक नया फोन लेने से पहले। तो इन सभी टिप्स को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आजकल के आने वाले फोन्स में आपने देखा होगा कि रैम में हमें बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे वो 3 GB हो या 16 GB हो, आप कितनी भी रैम वाला फोन ले सकते हैं, जिससे नेचुरली अपने मन में एक सवाल उठता है कि क्या ज्यादा रैम से कोई फायदा होता है? क्या मुझे एक्चुअली इतने पैसे खर्च करके एक ज्यादा रैम वाला फोन लेना चाहिए या कम रैम से भी मेरा काम चल सकता है? इस वीडियो में हम इसी सवाल को एनालाइज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ज्यादा रैम से एक्चुअली कोई फायदा होता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रैम होता क्या है और इसका काम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मेन काम है कि आपके फ़ोन में उन ऐप्स को खुला रखना जो आप बार बार तेज़ी से यूज़ करते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि फ़ोन यूज़ करते समय आप अक्सर 2 या 3 या 4 ऐप बहुत तेज़ी में स्विच करते हैं कुछ करने के लिए। तो फ़ोन कोशिश करता है कि वो ऐप बैकग्राउंड में चलते रहें, ताकि आप जब भी एक ऐप से दूसरे ऐप में जाएं तो आपको उस ऐप को खोलने में समय ना लगे और वो तुरंत आपके लिए यूजेबल हो। रैम के बारे में आपको मेनली 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि रैम डेटा को अपने पास थोड़े समय के लिए रखता है। दूसरा कि वहाँ रखा हुआ डेटा बहुत तेज़ी से पढ़ा या लिखा जा सकता है। और तीसरा कि रैम में रखा हुआ डेटा आपका फ़ोन बंद होने पर मिट जाता है। इन फैक्ट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कभी कोई चीज़ कॉपी या पेस्ट करते हो तो वो एकदम तुरंत होती है, लेकिन यदि आपको कोई फाइल खोलनी हो तो आपको पहले उस जगह जाना पड़ता है और उसको खोलने में 2 सेकंड लगता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कॉपी पेस्ट आपका रैम हैंडल करता है और फाइल आपकी स्टोरेज में रखी जाती है, और स्टोरेज हमेशा रैम से धीमा चलता है। ये एक रूल है, ये कभी नहीं बदलता। यदि आप फ़ोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए रैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ोन का GPU, जिसे कहते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो रैम में ही गेम को खोलता है, और जितनी ज़्यादा रैम होगी आपके पास उतना ही बेहतर ग्राफिक्स आप देख पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा यदि आप किसी कम रैम वाले फ़ोन में एक बहुत हैवी गेम चलाते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या PUBG, तो वो बहुत कम ग्राफिक्स में ही चल पाता है और उसमें लैग होता है, जिसका मतलब है फ्रेम रेट का लॉस होता है, आपको दिखता है गेम हिचकिचा रहा है। लेकिन अगर फ़ोन में रैम ज़्यादा है तो वो गेम अक्सर बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो अभी तक हमने रैम के बारे में जितना भी जाना, उसमें सबसे पहले तो हमें यही बात क्लियर होती है कि ज़्यादा रैम मतलब बेटर होता है, राइट? कम रैम वाले फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए, और रैम जितना ज़्यादा होगा फ़ोन उतना ही अच्छा चलेगा। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती है। इसका मेन कारण ये है कि रैम में एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक फ़ोन को अलाउ करता है अपनी रैम को बहुत अच्छे से यूज़ करने का। मतलब कि कई फ़ोन हैं, जैसे कि आईफोन, जिनमें अक्सर 2 या 3 GB रैम ही होता है और वो बहुत ही स्मूथ चलते हैं, वो गेम्स भी चला सकते हैं और आपको कभी फील नहीं होगा कि इस फ़ोन में कम रैम है। लेकिन कुछ फ़ोन होते हैं, जैसे कि ओप्पो या वीवो के फ़ोन्स, जिनमें 8 GB तक भी रैम हो सकता है, लेकिन आपको फ़ोन यूज़ करने में हिचकिचाहट फील होगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता कुछ फ़ोन्स का, लेकिन एप्पल के फ़ोन्स का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और यही ऑप्टिमाइजेशन है जो अलाउ करता है कम से कम रैम को भी ऐसे यूज़ होने में कि आपको कभी कमी ना फील हो। ऑप्टिमाइजेशन की इम्पोर्टेंस हमें वहीं दिखती है जब हम किसी Android 1 फ़ोन को कंपेयर करते हैं एक हैवी स्किन फ़ोन से। इसका मतलब हुआ कि अगर आप फोन देखते हैं जिसमें एंड्रॉयड 1 हो, तो आप देखेंगे उसका UI जो है, यूज़र इंटरफेस, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत क्लीन होता है और यूज़ करने में एकदम मक्खन चलता है। लेकिन आप अगर कोई वीवो का फ़ोन देखेंगे या शाओमी का फ़ोन देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं UI में, जो फ़ोन को हैवी बना देते हैं, जिसमें फ़ोन को यूज़ करना मुश्किल होता है। तो इन मैन्युफैक्चरर्स को अपने फ़ोन में ज़्यादा रैम देना पड़ता है, वरना सिस्टम ही इतना रैम यूज़ कर लेगा कि आपके पास गेमिंग और ऐप्स के लिए स्पेस नहीं होगी। इसीलिए यदि आप कोई फ़ोन ऐसा लेते हैं जिसमें एंड्रॉयड 1 है या फिर iOS है, तो उसमें आप कम रैम से भी बहुत आराम से काम चला सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई फ़ोन लेते हैं जिसमें बहुत हैवी स्किन है, जैसे कि वीवो या सैमसंग, तो आपको अक्सर वो फ़ोन लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा रैम हो।
कई फोन मैन्युफैक्चरर्स अपने फोन में बहुत ज्यादा रैम देते हैं, जैसे कि 12 या 16 जीबी रैम, जबकि आपको इतने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए है क्योंकि फोन में रैम बढ़ाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि रैम एक बहुत सस्ता एलिमेंट होता है फोन की बनावट का। आपको कभी 12 या 16 जीबी रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स आपको इतनी रैम इसीलिए देते हैं ताकि वो उसे एडवर्टाइज कर पाए और ताकि कई लोगों को लगे कि ज्यादा रैम का मतलब मेरा फोन बेहतर चलेगा या लंबा चलेगा। तो अंत में सवाल यही उठता है कि आपको एक्चुअली अपने फोन में कितने रैम की जरूरत है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने फोन में अक्सर सिर्फ 4 जीबी रैम की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। यदि आप अपने फोन में बहुत हैवी गेमिंग करते हैं और बहुत बड़े गेम खेलते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 जीबी तक जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ भी लेते हैं तो वो आपकी सिर्फ पसंद के ऊपर निर्भर करता है। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ ज्यादा रैम के लिए तो मेरा फोन ज्यादा अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपके फोन के रैम का मकसद क्या होता है और क्या ज्यादा रैम से आपको एक्चुअली कोई फायदा होता है। हम उम्मीद करेंगे अगली बार आप फोन लेते समय सिर्फ रैम का बड़ा नंबर देख के ये ना डिसाइड करें कि आपको वो फोन चाहिए या नहीं, बल्कि एक्चुअली आप उसका रियल वर्ल्ड यूसेज देखें। इसके लिए आप कैशिफाई के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक जरूर करें। इससे आपको नए आने वाले फोन्स के सारे रिव्यूज देखने को मिलेंगे, जिसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे यदि आपको वो फोन लेना चाहिए या नहीं। आप कैशिफाई.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज लिखते हैं हर नए फोन के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।